तो कहानी शुरू होती है डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका चावेस से, जो कि किसी और डायमेंशन में किसी और यूनिवर्स में होते हैं और वो एक मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं, वो भी डार्क होल्ड के पास, क्योंकि ये मॉन्स्टर बहुत ही ताकतवर है और इससे निपटने के लिए डार्क होल्ड की पावर डॉक्टर स्ट्रेंज को चाहिए। तो ये लोग बड़ी मुश्किलों से वहां तक पहुंचते हैं। तो डॉक्टर स्ट्रेंज उसको उस मॉन्स्टर को कैद करने की कोशिश करता है, लेकिन वो मॉन्स्टर बहुत ताकतवर होता है और वो कमजोर पड़ता है। तो वो सोचता है कि मैं अमेरिका चावेस की पावर्स को ले लूं। तो वो उसकी सोल निकालने लगता है, यानी उसकी शक्तियां लेने लगता है, और तभी ये मॉन्स्टर निकल के डॉक्टर स्ट्रेंज पर हमला करता है और अमेरिका चावेस यहां से मौका देखकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन मॉन्स्टर पकड़ लेता है। लेकिन पकड़ते पड़ते अमेरिका चावेस एक पोर्टल खोल देती है और ये डॉक्टर स्ट्रेंज मरता मरता चावेस को उस पोर्टल में भेज देता है। और यहां पर अर्थ 616 का सीन आता है, जहां पर डॉक्टर स्ट्रेंज को ये सारी चीजें सपने में नजर आ रही थी। और वो सूट बूट पहनता है और निकलता है, एक चर्च के अंदर आता है और चर्च में आके वो मिलता है क्रिस्टीन से, जो कि पहले इसकी गर्लफ्रेंड थी और इसकी शादी किसी और से हो रही है। यहां पर क्रिस्टीन डॉक्टर स्ट्रेंज से पूछती है, क्या तुम खुश हो? उसके बाद कहता है हाँ। तो डॉक्टर स्ट्रेंज देखता है कि मोहल्ले में, यानी कि सड़क के बीच में लड़ाई दंगा हो रहा है, एक लड़की पर कोई हमला कर रहा है। तो ये यहां से निकलता है, अमेरिका चावेस की इस राक्षस से मदद करता है और इसका सूट यहां पर फंस जाता है, यानी इसका केव, और पूरे शहर के बीच में इस ऑक्टोपस से वोंग और डॉक्टर स्ट्रेंज लड़ते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज इसकी आंख में एक भाला सा डाल के, यानी कि एक खंभा डाल के उसका प्याज निकाल देता है। उसके बाद वो अमेरिका चावेस से मिलता है और इसे पूछता है ये सब क्या था। तो अमेरिका चावेस बताती है कि इस पूरे यूनिवर्स में मैं अकेली ही हूँ, यानी कि पूरे मल्टीवर्स में मैं अकेली ही हूँ। अमेरिका चावेस, मेरे जैसा किसी और मल्टीवर्स में है ही नहीं, और कोई राक्षस, कोई है, कोई चुड़ैल जो मेरी पावर को लेना चाहती है। और सारे डॉक्टर स्ट्रेंज करप्ट होते जा रहे हैं और इस डॉक्टर स्ट्रेंज ने मेरी ताकत लेके उस मॉन्स्टर को मारने की कोशिश करी। उसका डॉक्टर स्ट्रेंज दूसरे यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज की बॉडी को यहाँ पर दफन कर देता है। और हमें यहाँ पर दिखाई जाती है वांडा। वांडा के हैं दो बच्चे, टॉमी और बिली, वो इनके साथ टाइम स्पेंड करती है। और फिर रियल वर्ल्ड दिखाया जाता है, जहाँ पे वांडा किसी और यूनिवर्स की वांडा के शरीर में जाके अपने टॉमी और बिली से प्यार करती है। और वो अपने गार्डन में आती है, गार्डन में देखती है बड़े बड़े पेड़, और तभी वहाँ पर आता है डॉक्टर स्ट्रेंज और वो उससे पूछता है कि तुम मल्टीवर्स के बारे में क्या जानते हो। तो वांडा बोलती है कि मुझे कुछ ज्यादा पता नहीं है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बताता है कि मल्टीवर्स से एक लड़की हमारे पास आई है, हमने उसे कमरताज में पनाह दे रखी है और उसे हमने उसके यूनिवर्स में भेजना है, तो मेरी मदद करो। तो यहाँ पे वांडा स्कारलेट विच बनती है और कहती है कि मुझे वो बच्ची चाहिए, मैं उसके जरिए जहाँ मेरे बच्चे टॉमी और बिली हैं उस यूनिवर्स के बच्चों को इस यूनिवर्स में लाना चाहती हूँ। तो डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है ये सब गलत है, ये मत करो। लेकिन स्कारलेट विच कहती है नहीं, मैं ऐसा करूंगी। उसका डॉक्टर स्ट्रेंज अपने कमरताज में आ जाता है और सबको चौंकना कर देता है, पूरी सेना बुला लेता है कि स्कारलेट विच हम पर हमला करने वाली है, तो हमें इस बच्ची को बचाना होगा। तो ये सब लोग तैयार होते हैं, तभी वहाँ पर आती है स्कारलेट विच और फिर से डॉक्टर स्ट्रेंज को कहती है कि मैं तुम्हें एक बार फिर से संभलने का मौका दे रही हूँ, तुम मुझे अमेरिका चावेस दे दो, मैं तुम्हें तुम्हारी क्रिस्टीन दे दूंगी। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं मानता, उसका स्कारलेट विच हमला करती है और ये बचने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही घमासान लड़ाई होती है, लेकिन स्कारलेट विच इनके एक एक बंदों की बैंड बजा देती है। तो फाइनली वो पहुंचती है बहुत सारे बंदों को मारने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज के पास, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज इसको एक मिरर वर्ल्ड में कैद कर देता है, जहाँ से ये बाहर ही नहीं निकल पाती। उसके बाद वो मिरर का रिफ्लेक्शन यूज करती है, तो ये लोग हर तरफ के शीशे ढकने लगते हैं, लेकिन एक शीशा रह जाता है और स्कारलेट विच उस शीशे से बाहर निकलती है। उसका डॉक्टर स्ट्रेंज को फिर से समझाती है, देखो ये मेरे बच्चे हैं और मैं अपने बच्चों से क्यों ना मिलूं। उसका डॉक्टर स्ट्रेंज फिर से अपने नाग भेजता है इसे लड़ने के लिए और स्कारलेट विच इसके नाक को भी बहुत ही भयंकर धोती है और वो फिर से अमेरिका चावेस को कंट्रोल करने लगती है। लेकिन इसी बीच में डॉक्टर स्ट्रेंज अमेरिका चावेस की मदद करता है और अमेरिका चावेस एक पोर्टल खोल देती है और वो डिफरेंट यूनिवर्स से होते हुए बहुत ही अलग अलग यूनिवर्स में जाते हैं। और यहाँ पे हमें बहुत ही अमेजिंग सीन दिखाया जाता है, कितने तरह इनके, कितने सारे इनके वेरियंट है, यानी कितने सारे इनके वर्जन है। और ये लोग अर्थ 818 में आ जाते हैं, जहाँ पे बहुत ही हरियाली होती है, हर जगह पेड़ पौधे होते हैं, यहाँ का ट्रैफिक सिग्नल भी बहुत अजीब होता है। और वो पहुंचते हैं सेंटम सेंटोरम में और वहाँ देखते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज मर चुका है दुनिया को बचाते हुए। तभी वहाँ पर आता है डॉक्टर स्ट्रेंज का दोस्त, वो इसको बोलता है कि मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था, तुम मल्टीवर्स से आए हो, चलो आओ हम लोग बातें करते हैं। उसके ये इसको समझाता है कि जो स्कारलेट विच है वो अभी अपने आप को उस यूनिवर्स में नहीं ले जा सकती, वो सिर्फ अपनी चेतना यानी कि किसी को कंट्रोल कर सकती है और वो अमेरिका चावेस की मदद से खुद को उस यूनिवर्स में जाना चाहती है और वांडा को रिप्लेस करना चाहती है। और यहाँ पर वांडा के शरीर में स्कारलेट विच आ जाती है और वो अपने बच्चों से प्यार करती है। और यहाँ जहाँ स्कारलेट विच अपने ध्यान में होती है, सब कुछ कंट्रोल कर रही होती है, तो वोंग कैद होता है। वोंग का एक साथी स्कारलेट विच की जो काली किताब होती है उसको नष्ट करते हुए खुद भी नष्ट हो जाता है और स्कारलेट विच का जादू उसमें से निकल जाता है और असली वांडा वांडा रह जाती है और स्कारलेट विच उसके शरीर से निकल जाती है। तब वो वोंग के सारे बंदों को मारने की धमकी देती है, तो वोंग कहता है कि रुको, इस यूनिवर्स में एक ऐसा मंदिर है जहां से ये किताब पन्नों पे उतारी गई थी, तो हम डायरेक्टली उस मंदिर में चलते हैं। और यहां पर डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका चावेस को कैद कर लिया गया है और क्रिस्टीन आती है उसके पास। तो क्रिस्टीन डॉक्टर स्ट्रेंज को बताती है कि देखो तुम हर यूनिवर्स में करप्ट हो जाते हो, इसलिए हमने तुम्हें कैद करके रखा है कि तुम हमारे यहां का सारा सिस्टम बिगाड़ दोगे। और वहां पर वोंग स्कारलेट विच को लेकर आया है उस मंदिर में जहां पर काली शक्तियां जन्म हुई थी और वहां पर वो देखती है कि ये तो एक सिंहासन है और वहां बहुत बड़े बड़े मॉन्स्टर होते हैं और वहां की दीवारों पर लिखा होता है कि स्कारलेट विच पूरी दुनिया पर राज करेगी। और इधर डॉक्टर स्ट्रेंज को इल्यूमिनाटीज के सामने प्रकट किया जाता है। क्या आपकी जिंदगी में कोई रंग नहीं है? क्या आप अपने आप को अकेला समझते हैं?
क्या आपका कोई दोस्त नहीं है जिससे आप अपने सुख दुख बांट सकें? तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। हम हर शनिवार रात 9 बजे YouTube पर लाइव आते हैं आप लोगों से बकचोदी पेलने के लिए। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं अपने सुख दुख हमारे साथ बांटने के लिए तो जुड़ जाएं हमारे साथ, मिलकर बकचोदी पेलेंगे और आपका अकेलापन खत्म कर देंगे। और इधर डॉक्टर स्ट्रेंज को इल्यूमिनाटीज के सामने प्रकट किया जाता है, यानी प्रस्तुत किया जाता है। और यहाँ पे हमें दिखाए जाते हैं बोल्ट जो कि इनह्यूमन है, और वहीं पर होता है रीड रिचर्ड जो कि फैंटास्टिक फोर का सबसे सीनियर बंदा है। वहाँ पर कैप्टन अमेरिका भी होती है जो कि इस यूनिवर्स में कैप्टन अमेरिका की दोस्त है। कैप्टन अमेरिका की दोस्त कैप्टन अमेरिका है, और इस यूनिवर्स में कैप्टन अमेरिका एक लड़की है, और कैप्टन मार्वल की दोस्त है। और यहाँ स्कारलेट विच अपना काम निकाल के वोंग को पहाड़ से धक्का देती है और खुद ध्यान में लग जाती है। और यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज को चार्ल्स एक्सेवियर समझाता है, और ये सारे मिलकर समझाते कि देखो तुम हर यूनिवर्स में करप्ट होते जा रहे हो और तुम्हारी वजह से हर जगह डिस्ट्रक्शन हो रहा है, तो तुम जल्दी से अपने यूनिवर्स में चले जाओ, तुम्हारा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है हमारे लिए भी। उसके बाद यहाँ पर वोंडा के शहर में स्कारलेट विच आके इन पर हमला कर देती है और हर तरफ तबाही फैलाते हुए सब लोगों को मारने लगती है। और तभी उसको रोकने के लिए कैप्टन अमेरिका, वोल्ट, रीड रिचर्ड और कैप्टन मार्वल चारों इसका सामना करने आते हैं। लोल, लेकिन स्कारलेट विच एक एक करके दो लोगों को मार देती है, और कैप्टन अमेरिका और कैप्टन मार्वल इसका दबा के सामना करते हैं, लेकिन ज्यादा देर ये लोग टिक नहीं पाते। स्कारलेट विच इन दोनों को हरा देती है। और यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज इस बंदे को समझाने की कोशिश करता है कि देखो मुझे जाने दो यार, लेकिन ये मानता नहीं है, तो ये उससे लड़ता है और लड़के उससे आजाद होके भाग जाता है। और यहाँ पर चार्ल्स एक्सेवियर वांडा के दिमाग में घुस जाता है और असली वांडा को स्कारलेट विच के चुंगल से बचाने की कोशिश करता है, लेकिन स्कारलेट विच इसकी गर्दन घुमा के इसको मार देती है। और यहाँ पर अमेरिका चावेस को क्रिस्टीन भगा के ले जाती है, और तभी उसे मिलता है डॉक्टर स्ट्रेंज, और वो कहता है कि हम इसका सामना कैसे करें। तो क्रिस्टीन बोलती है यहाँ पर एक डार्क होल्ड है, उसकी पावर का इस्तेमाल करके तुम स्कारलेट विच को हरा सकते हो। तो ये लोग वांडा को इधर उधर कहीं पर फंसा कर इस यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज की घड़ी का इस्तेमाल करके एक जगह खोलते हैं, और वो पहुंच जाते हैं डार्क होल्ड। और डॉक्टर स्ट्रेंज वहां की बुक को हाथ में लेता ही है तभी वहां पर आ जाती है स्कारलेट विच। वो डॉक्टर स्ट्रेंज और क्रिस्टीन को पकड़ लेती है और अमेरिका चावेस के दिमाग में घुस के अर्थ 616 का पोर्टल खोलती है और अमेरिका चावेस को अपने पास फेंक देती है। उसका स्कारलेट विच वोंडा के शरीर से निकल जाती है और वोंडा यहां से भाग जाती है। और यहां पर स्कारलेट विच अमेरिका चावेस की पावर लेने की तैयारी करती है, और इधर इनकर्जन हो रहा है। इनकर्जन का मतलब ये है कि ये जो यूनिवर्स है ये किसी और यूनिवर्स में पहुंच गए दोनों जाने, और ये जो यूनिवर्स है ये खत्म होने वाला है, तबाह हो चुका है। और ये लोग यहाँ आते हैं सेंटन सेंटोरम में, और वो डॉक्टर स्ट्रेंज से बात करता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी डार्क होल्ड की पावर चाहिए, मुझे पता है तुम्हारे पास है। तो इस यूनिवर्स का डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि देखो हम एक डील करते हैं, मैं हमेशा से अकेला रहा हूं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी है, तो तुम ऐसा करो मेरी डार्क होल्ड की पावर ले लो और अपनी क्रिस्टीन मुझे दे दो। उसका डॉक्टर स्ट्रेंज और इस यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज दोनों की आपस में घमासान लड़ाई होती है, और बहुत सारी लड़ाइयों के बाद अर्थ 616 का डॉक्टर स्ट्रेंज इस यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज को मार देता है। और यहाँ पर वोंग जिंदा है, वो ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, और स्कारलेट विच अमेरिका चावेस की पावर लेने को तैयार है। और यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज डार्क होल्ड की पावर का इस्तेमाल करके देख लेता है कि कैप्टन चावेस मरने वाली है। वो एक पर्चे का इस्तेमाल करता है और क्रिस्टीन को बोलता है कि मैं एक्चुअली अपनी चेतना अर्थ 616 में जो डॉक्टर स्ट्रेंज है जिसको मैंने दफन किया है उसमें डाल के अमेरिका चावेस की मदद करने जा रहा हूं। तो अर्थ 616 के डॉक्टर स्ट्रेंज जो कि मरा हुआ है उसके शरीर में अपनी चेतना डालता है, लेकिन डार्क होल्ड की पावर्स डॉक्टर स्ट्रेंज को करप्ट करने लगती है। तो क्रिस्टीन आग की मदद से इसको उससे आजाद कराती है, और डॉक्टर स्ट्रेंज को बोलती है कि डार्क होल्ड की पावर को इन आत्माओं को अपनी ताकत बनाओ। तो डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी ताकत का इस्तेमाल करके इन आत्माओं को अपनी पावर बनाता है, और यहाँ पर वोंग एक मॉन्स्टर को मार के नीचे गिरा देता है। और डॉक्टर स्ट्रेंज यहाँ पर आकर ये सारी बुरी आत्माएं स्कारलेट विच के ऊपर छोड़ देता है और उसको कंट्रोल करता है, और वोंग उसको एक पोर्टल में बंद करता है, लेकिन स्कारलेट विच ज्यादा टाइम तक उसमें बंद नहीं रह सकती। तो वोंग डॉक्टर स्ट्रेंज को बोलता है कि जाओ अमेरिका चावेस को बचाओ। वो आता है अमेरिका चावेस के पास और उसको बोलता है तुम ऐसा करो अपनी ताकत का इस्तेमाल करो, अगर नहीं करोगे तो हम मर जाएंगे। और यहाँ पर स्कारलेट विच डॉक्टर स्ट्रेंज पर हमला करती है। उसके बाद अमेरिका चावेस इसको पंची पंच मारती है और अलग अलग पोर्टल खोलती है उसको फेंकने के लिए, लेकिन स्कारलेट विच का गला पकड़ लेती है। तो अमेरिका चावेस ऐसा पोर्टल खोलती है जिसमें होते हैं बिली और टॉमी, और स्कारलेट विच बिली और टॉमी के मम्मी को यानी कि वांडा को उधर धक्का दे देती है। तो ये बच्चे देखते हैं और ये स्कारलेट विच पर हमला करते हैं, और स्कारलेट विच कहती है कि देखो मैं तुम्हारी माँ हूँ, लेकिन ये बच्चे डरते हैं, वो अपनी असली माँ की तरफ भागते हैं। और यहाँ पर स्कारलेट विच बहुत रोती है, तो उसके सामने आती है वांडा, वो कहती है कि देखो ये तुम्हारे भी बच्चे हैं मेरे भी बच्चे हैं, तो मुझे मार के तुम कभी खुश नहीं रह पाओगी इन बच्चों को लेकर, तो तुम अपने यूनिवर्स में चले जाओ। उसका स्कारलेट विच अपने यूनिवर्स में आ जाती है और वो कहती है कि ये डार्क होल्ड की जो ताकत है उसको मैं हमेशा के लिए नष्ट कर रही हूँ ताकि कोई और इसका गलत इस्तेमाल ना कर सके। उसका अमेरिका चावेस एक पोर्टल खोलती है और वोंग को लेकर चली जाती है कमरताज, और यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज और स्कारलेट विच आपस में एक दूसरे से थोड़ी सी बात करते हैं, और स्कारलेट विच ये पूरे टेंपल को ये पूरे डार्क होल्ड को खत्म कर देती है। और यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज क्रिस्टीन को अपने प्यार का इजहार करता है, और ये दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं, और डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि हमारे बीच में मल्टीवर्स की दूरियां हैं, मैं कोशिश करूंगा ये दूरियां कभी खत्म हो जाए, मतलब बहुत अच्छी अच्छी यहाँ पर बातें होती है। उसके बाद यहाँ पर आती है अमेरिका चावेस डॉक्टर स्ट्रेंज को लेने के लिए, और अमेरिका चावेस को कमरताज के अंदर ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ पर
पर वोंग और डॉक्टर स्ट्रेंज बात करते हैं और डॉक्टर स्ट्रेंज पहली बार वोंग को रिस्पेक्ट देता है और डॉक्टर स्ट्रेंज के पास आती है अमेरिका चावेस और वो डॉक्टर स्ट्रेंज को थैंक यू बोलती है और डॉक्टर स्ट्रेंज अपने पोर्टल में चला जाता है और अमेरिका में आ जाता है और अमेरिका में मस्त नहा धो के घूमता है और उसको कुछ होने लगता है और हमें दिखाया जाता है इसकी तीसरी आंख आ चुकी है। उसके बाद हमें एक मिड क्रेडिट सीन दिखाया जाता है जहां पर एक लड़की आई है और कहती है कि तुम्हारी वजह से जो इंकर्जन हो रहा है उसको हम दोनों को मिलकर ठीक करना है, चलो मेरे साथ। वो एक पोर्टल खोलती है और इसको अपने साथ ले जाती है और यहां ये फिल्म एंड हो जाती है। तो दोस्तों फिल्म बहुत ही अच्छी है, माइंड ब्लोइंग है, आप सब लोगों को देखनी चाहिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे ताकि अगली बार हम कोई भी वीडियो डालें आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।